हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। और अभी बज रहे हैं सुबह के, कितने बजे दिखाता हूँ, अगर आप दिख पा रहे हैं, दिख रहा है, बंद हो गया। हाँ, अभी बज रहे हैं तो सुबह के लगभग 4:30। और इतनी सुबह उठने के पीछे का जो कारण है वो ऐसा है कि मुझे हो गया थोड़ा सा फीवर, मतलब अभी लग रहा है फीवर फीवर टाइप का। तो मैं उठा और मम्मी को उठाया, बोले मम्मी कुछ खाने का दो और दवाई खाऊंगा मैं, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो समय रहते उसका थोड़ा सा दवाई वाई खा के अपन ठीक हो जाते हैं, ऐसा मेरा सोच रहा है। देखते हैं, दिन में थोड़ा सा सुबह होगा फिर जाऊँगा डॉक्टर डॉक्टर के पास, दिखा दूँगा, क्योंकि इस मौसम में बीमार होना मतलब लंबा खिंच जाना है और वो मैं चाह नहीं रहा हूँ। तो जितना जल्दी जल्दी हो जाए सोच रहा हूँ थोड़ा सा ठीक हो जाऊँ। और उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए एक बिस्किट रखा हुआ है, क्या बिस्किट है, 50-50 जीरा, और साथ में मम्मी बना के ला रही हैं चाय। थोड़ा सा मैं चाय और बिस्किट खा लेता हूँ, फिर खाऊँगा एक दवाई और फिर सो जाऊँगा वापस से। और आज कितने सारे कंबल ओढ़ के सो रहा हूँ मैं, देखो, एक चादर, एक कंबल और एक मोटा और कंबल, इतना सारा ओढ़ा हूँ, ये पहना हूँ, अभी पहना हूँ सब चीज़ को। लेकिन ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही है मेरे को, सब तरफ से खिड़की दरवाजे बंद है तब भी इतना ठंडी लग रहा है, इतना ठंडी लग रहा है क्या बताऊँ। तो पहले खावा लेता हूँ, रेस्ट करता हूँ, फिर बाद में मिलता हूँ। तो दोस्तों, एक घंटे हो चुके हैं, टाइम दिखा देता हूँ आपको, 5:40 दिखाया था ना, ये 4:40 दिखाया था, अभी हो रहा है 5:40। और तबीयत थोड़ी सी बेहतर हो गई है क्योंकि दवाई वही खा लिया था मैं, और इतना पसीना आ रहा है अगर आप देख सकते हैं, अगर देख पाएंगे यहाँ पर, देखिए पूरा पसीना पसीना हो गया हूँ मैं, क्योंकि डोलो ने अपना काम कर दिया। और थोड़ा सा जो मतलब लग रहा था फीवर आने वाला टाइप का, तो उससे थोड़ा सा राहत मिला है अभी के लिए। अब दिन में देखता हूँ, जाऊँगा डॉक्टर के पास और अच्छे से अपना दवाई वाई लूँगा और उसको खाऊँगा। अभी के लिए अपने टाइम मतलब सेल्फ प्रिकॉशन टाइप का एक डोलो खा लिया था मैं, तो फीलिंग बेटर ना हो पर फिर भी थोड़ा सा एनर्जी लो लो लग रहा है और मतलब वीकनेस टाइप का लग रहा है, हेडेक भी है थोड़ा सा। तो थोड़ा देर और रेस्ट कर लेता हूँ, वैसे इतने देर से सो ही नहीं पाया था मैं, सोने का ट्राई कर रहा था लेकिन नींद ही नहीं आ पा रहा था, तो 2-3 चादर ओढ़ के सो गया था जैसे दिखाया था। तो और स्वेटर पहन लिया था मतलब जैकेट को अपने, तो जो पसीना आया, जो पसीना पूरा भीग गया हूँ ऊपर से नीचे तक। तो यही चीज़ तो मेन चीज़ रहता है फीवर आने पे, कि आप पसीना निकल जाए और पसीना निकलने के बाद फीवर ही कम हो जाए। तो अभी थोड़ा सा रिलैक्सड फील कर रहा हूँ, मतलब ठंडी कम लग रही है, लेकिन हेडेक और थोड़ा सा सर भारी भारी टाइप का जो लगता है वो लग ही रहा है। तो देखते हैं कैसे रहता है, बताता हूँ। हेलो दोस्तों, तो फिर से गुड मॉर्निंग, और क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ, ये ऐसी जगह ना यहाँ से दूर नहीं रह पाता हूँ मैं, कितना भी कोशिश कर लूँ। तो आज भले मुझे मेरे फीवर आकर मुझे कह तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं वापस से ठीक हो गया। और मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट मैं आ जाऊँ तो मेरे लिए एक जीत होगी, छोटी छोटी जीतों में छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेता हूँ। तो यहाँ तक मैं एटलीस्ट आ गया, वही बहुत बड़ी खुशी है मेरे लिए। यहाँ के ज़्यादा हैवी वर्कआउट करूँ ना करूँ, हल्का फुल्का स्ट्रेचिंग कर लूँ, साइकिलिंग कर लूँ, वापस चले जाऊँ, तो भी मेरा जो आना है वर्थ इट हो जाएगा, इसलिए मैं सोचा आ जाता हूँ। और अभी सबको बोल चुका था मैं नहीं आऊँगा, बल्कि फिर अंदर से आवाज़ आई, नहीं कंसिस्टेंसी नहीं जानी चाहिए, भले जा बैठ के आ जा, वहाँ थोड़ा सा एक्सरसाइज कर ले, स्ट्रेचिंग करके वापस आ जा, लेकिन जाना ज़रूरी है। तो हियर आई एम, और चलते हैं अंदर। तबीयत ठीक ना होने के बाद भी वर्कआउट करने का कमेंट है, आजकल मीम चल रहा है ना, ये करने के बाद भी ऐसा हुआ, तो घमंड है मुझे कि तबीयत इतना प्रॉपर फिटनेस नहीं था 100%, बट मैं आया अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखने के लिए, और ठीक ठाक वर्कआउट भी किया, एकदम ज़्यादा तो नहीं किया लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग, बॉडी कंडीशन के अकॉर्डिंग सेटिस्फैक्ट्री था, तो अच्छा लग रहा है। और अब ऐसा लग रहा है मतलब तबीयत ख़राब ही नहीं था ऐसा टाइप का लग रहा है, थोड़ा सा फील हो रहा है। तो जाके बढ़िया खाना खाओ, मतलब नाश्ता वाश्ता करो और स्कूल जाओ, सब ठीक हो जाएगा, कुछ भी हो वर्कआउट करो सब ठीक हो जाता है। एक तो आधा जिम आने की खुशी में सब ठीक हो जाता है, कहते हैं सर। मैं तो इतना सुबह से 4:30 बजे से तबीयत ठीक नहीं था, मैं यही सोच रहा था कि जिम नहीं जा पाऊँगा यार बोल के, इसलिए सुबह से उठ के दवाई खाया और ठीक हो गया। तो चलते हैं, we'll be right back।
ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ
कि असीं की बना रहे हैं ते असीं की गलत कर रहे हैं ते की सही कर रहे हैं। कभी सोचिए गुरु महाराज जी नूं कि जब मेरी धी जां मेरा पुत जाके नाई की दुकान च बैठता होएगा ते मेरे पुत मेरे प्यो का जिहड़ा सीना है वह चौड़ा होंदा होएगा कि उहदा सीस चुकदा होएगा। असीं अपने पिता का सीस हमेशा तां चक के चलना है तां ही चक्या जाएगा जब असीं गुरु गोबिंद सिंह जी वांगू बनांगे। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने सानूं अपना रूप